आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अन्न उत्सव मनाया गया मध्य प्रदेश में। प्रदेश की भाजपा सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अन्न उत्सव के चलते जगह जगह जरूरतमंद लोगों को, गरीबी की रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को अन्न वितरित किया गया। अन्न उत्सव को लेकर कांग्रेस कुछ हमलावर दिख तो रही है, सोशल मीडिया पर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आती दिख रही हैं। अन्न उत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 1980 से लगातार सांसद रहे और वर्तमान में वे छिंदवाड़ा विधानसभा से विधायक भी हैं, छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ से अन्न उत्सव के दौरान एक वीडियो, जनपद सदस्य हैं ये ऐसा बताया जा रहा है कि जनपद सदस्य हैं जो अभी संबोधित कर रही हैं, और इनके द्वारा जो बातें कही गईं वो वास्तव में बहुत तार्किक और वर्तमान समय में, वर्तमान परिवेश में इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी, इन बातों का चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ से ये वीडियो अपलोड हुआ है, अपलोड तो कहीं से हुआ है इसकी जानकारी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के पास नहीं, ना ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया वीडियो कहीं प्रामाणिकता की पुष्टि करता। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मोहखेड़ जनपद पंचायत की सदस्य के द्वारा अन्न उत्सव को लेकर अनेक प्रश्न खड़े किए गए हैं। हम आपको सुनाते हैं ये वायरल वीडियो, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आखिर ये जनपद सदस्य कह क्या रहे हैं, ये बात हम आपको सुनाते हैं, लीजिए सुनिए। अन्न महोत्सव में हमारे ग्रामीण के सरपंच महोदय श्रीमती सरला सिंगारे जी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी स्टाफ, हमारे बीच में उपस्थित हमारे ग्रामीण की जनता, बुजुर्ग जन, महिला बहनें, छोटे नादान बच्चे, प्रशासनिक तंत्र जो इस व्यवस्था को बनाने में यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी यह भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित एक एक इस गांव के ग्रामीण जन, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही सावन मास जो चल रहा है, पावन मास सावन, उसमें हमारे गांव की मंडल के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई, तो समस्त जनमंडल को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं कार्यक्रम की तरफ आती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राशन वितरण प्रति माह लोगों को किया जाता है, इसमें नया कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों का तमाशा बनाया जा रहा है वितरण के नाम पर। क्या है राशन आपको हमेशा से मिलता है, उसमें अगर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने फ्री योजना इसमें बोल दी कि आपको राशन फ्री मिल रहा है, तो आपके लिए सरकार ने क्या मुख्य कदम उठा दिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। इस कोरोना काल में हमारे लोग इतने विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, और सरकार आप लोगों को 10 किलो राशन वितरण करके क्या सिद्ध करना चाहती है। आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल के दाम देखिए, खाद्य तेल के दाम देखिए, दालों के दाम देखिए, गैस सिलेंडर के दाम देखिए, और सरकार बोलती है कि अन्न का उत्सव मनाइए, कैसे लोग उत्सव मनाएंगे आप बताइए, मेरे को जवाब दीजिए। आज हमारी जनता परेशान है, जनता के मुख का निवाला छिना हुआ है, और सरकार बोलती है कि अन्न उत्सव मनाओ। किसान परेशान है, कर्ज का बोझ उनके सर से उतरा नहीं है, और सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि उत्सव मनाओ। कैसा उत्सव मनाए, कोरोना काल में कितने लोगों ने अपने घरों के मुखिया को खोया, पत्नियों ने अपने पतियों को खोया, कई बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले
गए, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिली, टाइम पर इलाज नहीं मिला, टीकाकरण